देखिए, अब जो मुख्य बात थी वो उनकी तीन कानूनों के बारे में बात थी, और मेरा तो आज भी मानना ये है कि तीनों कानून जो हैं वो किसान के पक्ष के थे, और मेरा ये भी मानना है कि ज़्यादा किसान उनके पक्ष में है। लेकिन क्योंकि जिस प्रकार से आंदोलन ने जोर पकड़ा और कुछ लोग आए, जिस प्रकार की सारी व्यवस्था, हालांकि दो ही स्टेट ज़्यादा प्रभावित थे, हरियाणा और पंजाब, उसमें से कुछ थोड़ा राजस्थान या यूपी में प्रभाव था, कोई बहुत बड़ा प्रभाव उसका था नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको वापस ले लिया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि भी मैंने तो किसानों के हित के लिए ये कानून हम लेके आए थे, लेकिन राष्ट्रहित को देखते हुए हमने दोबारा इसको वापस ले लिया, क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी की थी, जीत गई थी, तो इस प्रकार का देश में कोई इस प्रकार का माहौल ना बढ़े, तो उसको रोकने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कानूनों को वापस ले लिया। और मैं समझता हूँ कि जब तीन कानून वापस आ गए, अगर बार बार आप देखो जितने भी बयान हैं अपना राकेश टिकैत जी के हैं या दूसरों के हैं, उनको कहा था वो एक ही बात कह रहे थे, जब कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, जब कानून वापस होंगे तभी घर वापसी होगी, तो कानून तो वापस ले लिए। और जहाँ तक MSP की बात है, तो MSP की बात पे भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमने कमेटी गठित कर दी, वो निर्णय लेगी। सबको पता है कि इतना बड़ा निर्णय लेना कोई ऐसा नहीं है कि एकदम तुरंत आप खड़े खड़े लोगे, उसकी क्या व्यवस्था करोगे, कैसे करोगे, सारा कुछ उसके लिए एक कमेटी गठित होगी और उसमें किसान भी शामिल होंगे, इस प्रकार का भी उन्होंने आश्वासन दिया। तो मैं समझता हूँ कि अब कोई इसका औचित्य बढ़ता नहीं है, मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई और कारण है, केवल किसान के हित नहीं है कारण, कुछ और कारण है इसका। अगर किसान के हित की बात है तो किसान तो सेटिस्फाई है, आम किसान को वहाँ से बहुत बड़ी संख्या में किसान आए भी गए वहाँ से, और आम किसान में भी अगर बात करो तो वो कहते हैं कि अब कोई ऐसी बात है नहीं, अब MSP की बात है, ठीक है, उस पर चर्चा होगी। सर विपक्षी सरकार ने तो कोई जीत की नहीं, जीत तो यही कर रहे हैं, सरकार ने कहाँ जीत की, सरकार ने बनाया कानून वापस ले लिया, जो कानून बनाया दिया था, जो पार्लियामेंट ने पास किया, और पार्लियामेंट सारे देश की चुनी पार्लियामेंट है, जबकि आंदोलन करने वाले तो उसका मैं समझता हूँ कि पूरे देश का शायद 5% हिस्सा है जहां आंदोलन है, 95% तो ऐसा है जहां आंदोलन है ही नहीं, तो वो ही उनकी बात मानते माननीय प्रधानमंत्री जी ने कानून को वापस ले लिया, अब जीत तो उनको छोड़ दीजिए।